एच डी ओ बारामला बशारत हुसैन। यह हमारा हॉर्टिकल्चर स्टॉल है फॉर एग्जिबिशन के लिए। इस जश्न बारामला में जो हमने एग्जिबिशन लगाया है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों में बेदारी करें, अवेयरनेस देंगे ताकि वो कैसे अपने रोज़गार को डेवलप करें। अगर कोई बंदा मतलब ये मेहनती हो, समझदार हो, अक्लमंद हो, तालीम याफ्ता भी हो थोड़ा बहुत, हम उसको गाइडलाइंस करते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और उसको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देते हैं डिफरेंट स्कीमों के तहत मुताबिक, ताकि उसका रोज़गार जनरेट हो जाए। तो इसलिए हमने एग्जिबिशन लगाया। ये जो वैरायटीज़ है, इससे ज़्यादा वैरायटीज़ है हमारे पास, क्योंकि वो अर्ली वैरायटीज़ हैं, वो तो एक्चुअली कंप्लीट हो गया उनका सीज़न, अब जो लेट वैरायटीज़ हैं। इसमें हमने नया डेवलप किया यहाँ एच डी एप्पल प्लांटेशन, जो थर्ड ईयर से हम मेरी फ्रूट बेरिंग स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हैं कीवी वगैरह हैं, ये संतरे हैं, गर्गल हैं, ये हैं क्यूनस भी हैं, और ये जो है ये सिट्रस फ्रूट्स भी हैं, ये हमने उड़ी में डेवलप किए हैं। तो कीवी तो हर जगह डेवलप होते हैं, ये नए फ्रूट्स हैं। हेजलनट भी हैं, चेस्टनट भी हैं, वॉलनट भी हैं, ओलिव ऑयल जो मेन है यहाँ का, ये डेवलप हुआ उड़ी इस्लामाबाद में, जिस बारामला में पिकनट भी है, और ये इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हमारे पास लोग आएंगे, उनको हम अवेयरनेस देते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयरनेस कैंप्स करते हैं हम, और उनसे हम डिफरेंट स्पीम्स तहत गाइडलाइंस भी देते हैं, स्टैंडर्ड्स देते हैं, ताकि वो डेवलप हो जाए और सेल्फ जनरेशन लिवलीहुड के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, ये था स्टॉल नंबर 1, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी यहाँ से, क्या क्या चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब चलते हैं स्टॉल नंबर 2 की तरफ। यह स्टॉल नंबर 2, और यहाँ पे बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। तो अब चलते हैं आगे, हर एक स्टॉल आपको दिखाते हैं। यह स्टॉल नंबर 3, और यहाँ पे आपको चाय वगैरह ये फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब चलते हैं स्टॉल नंबर 4 की तरफ से। ये स्टॉल नंबर 4, और यहाँ पे कपड़े वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये स्टॉल नंबर 4। अब चलते हैं स्टॉल नंबर 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉल नंबर 5। तो अब आगे चलते हैं, ठीक हो और सदा ठीक मजे में? सब्सक्राइबर हैं आप? बस आपके लिए व्लॉग बन रहा है, और बढ़िया बढ़िया, बस ठीक। स्टॉल नंबर 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हर एक स्टॉल जो यहाँ पे है आपके लिए, हर एक स्टॉल की वीडियो लेके आएंगे और हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे हम यहाँ पे। तो क्राफ्ट वगैरह, क्राफ्ट एंड क्रिएशन, ये वाला स्टॉल जो है कश्मीर, इन्हीं चीज़ों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मेरा नाम शेख बिलाल है, मैं यहाँ लोकल बारामला का रहने वाला हूँ। ये जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह वॉलनट का हम बनाते हैं, ये हम यही बारामला से ही बनाते हैं। ये यहाँ का ट्रेडिशन वर्क है, 100 साल 200 सालों से ये चल रहा है ये वर्क। ये पूरा हैंडमेड होता है वॉलनट लकड़ी का, जो अखरोट लकड़ी होती है उसका बनता है। पूरा वर्ल्ड फेमस है, यहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं आउट ऑफ कंट्री, जैसे दुबई, मलेशिया, USA, ये हमारा सारा जाता है। तो ये पेपर मैशी है, ये यहाँ का, ये जो इस पर प्रिंट होता है ये हैंडमेड होता है, ये हाथ से ब्रश पिट से हम बनाते हैं। और उसके बाद जो लकड़ का जो ये यहाँ पे, ये भी बिल्कुल हम हाथ से ही बनाते हैं, हैंडमेड होता है, सीजन लकड़ी का होता है, पूरा वुड 5-6 साल सीजन करना पड़ता है, उसके बाद हम इस पर कार्विंग करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, उसमें शेप देते हैं सर।